मंत्रालय का एक्शन क्या 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लिया गया है? क्या पहलवानों का मुद्दा बन रहा था बीजेपी के गले की फांस? बजरंग पुनिया का पद्मश्री लौटाना, साक्षी मलिक का संन्यास लेना मोदी सरकार के लिए 2024 में घातक साबित हो सकता है। खेल मंत्रालय के एक्शन के बाद ये सवाल तो उठ ही रहे थे कि ब्रजभूषण ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए संकेत दे दिया है कि असल में इस एक्शन के पीछे की कहानी लोकसभा चुनाव ही है। पहले ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उसने इस मुद्दे से ज्यादा लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जिक्र किया। अब जो भी फैसला लेना है, सरकार से बात करना है या कानूनी प्रक्रिया को अडॉप्ट करना है, ये चुने हुए जो फेडरेशन के लोग हैं वो अपना फैसला लेंगे। मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है, मेरा लोकसभा का चुनाव आ रहा है और भी मेरे पास बहुत काम है। ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह उसके नेता हैं। उन्होंने कहा कि मैंने 12 साल तक कुश्ती की, मैं पहले ही कुश्ती से नाता तोड़ चुका हूं और कुश्ती से संन्यास ले लिया है। इसके बाद ब्रजभूषण ने बार बार दोहराया कि अगले 20 साल तक देश में वो होगा जो मोदी चाहेंगे। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में भारी बहुमत के साथ बनेगी और अभी 20 साल इस देश की राजनीति मोदी जी के हिसाब से होगी। मोदी जी जो चाहेंगे वो होगा। आज के तारीख में अपोजिशन में मुझे कोई नहीं दिखाई पड़ता है, कम से कम 20 साल। और कीजिए कि ब्रजभूषण का पूरा भाषण लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द घूम रहा है। इसके बाद कयास लगने लगे हैं कि हो ना हो कोई डील हुई है, बीजेपी ने ब्रजभूषण को लोकसभा चुनाव में दोबारा टिकट देने का लालच देकर मामला सुलझाया है, क्योंकि अचानक से आए खेल मंत्रालय के फैसले को देखकर लोगों ने तंज कसना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि दुनिया भर में देश की फजीहत कराने के बाद होश आया है कि महिला पहलवानों के साथ गलत हुआ है। आप जानते ही हैं कि नतीजे आने के 2 दिन बाद खेल मंत्रालय ने पूरी फेडरेशन को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है। बिल्कुल ये खबर एक बड़ा एक्शन है और उन तमाम पहलवानों के लिए खुशी की खबर भी है। साक्षी मलिक का बयान भी आ गया है कि वो इसका समर्थन करती हैं, लेकिन इसके साथ ही कसक इस बात की है कि ये एक्शन लेने में सरकार ने इतना समय क्यों लगाया? क्या देश का नाम दुनिया भर में रोशन करने वाले पहलवानों की सुनवाई जल्दी नहीं हुई? क्यों पहलवानों को अपना सम्मान लौटाना पड़ा, अपने घरों को छोड़कर जंतर मंतर पर रहने पर मजबूर होना पड़ा, पुलिस के डंडे खाने पड़े, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा? कितनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जाकर सरकार को समझ में आया कि कुछ तो है। ऐसे में अब ब्रजभूषण सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने राजनीति में के जानकारों के कान खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि दाल में कुछ काला है। दावा है कि ब्रजभूषण नाराज ना हो इसलिए उसे कोई बड़ा लालच दिया गया है। यही वजह है कि वो बार बार कह रहा है कि साक्षी ने संन्यास लिया, हमने भी ले लिया और अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रजभूषण ने टिकट मांग ली हो, इसके बदले में संजय को हटाने वाले फैसले पर मंजूरी दे दी हो, क्योंकि इस मसले के बाद ब्रजभूषण का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भी यही दर्शा रहा है। ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश है कि ये दिखाना है कि सब कुछ ठीक है। ब्रजभूषण ने कॉन्फ्रेंस की ही नहीं है बल्कि उससे करवाई गई है। आप जानते ही हैं कि 21 दिसंबर को फेडरेशन का चुनाव हुआ जिसमें जीत संजय सिंह को मिली जो खुद ब्रजभूषण का करीबी है। इसके बाद ब्रजभूषण खेमे में जश्न का माहौल था। लड़कियों के साथ बस सलूकी करने वाला, उनके अस्मिता को चोट पहुंचाने वाले ब्रजभूषण के लोग खुशियां मना रहे थे, दबदबा कायम होने की बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ महिला पहलवान और उनके समर्थकों की आंख में आंसू थे, क्योंकि एक बार फिर उनकी उम्मीद टूट गई थी। न्याय मिलने की उम्मीद हारे हुए पहलवानों के पास अब कुछ भी नहीं बचा था सिवाय उस खोखले सम्मान की जो सरकार से उन्हें मिला था उनके जबरदस्त प्रदर्शन करने के बाद। इसलिए पहलवानों ने उस सम्मान को लौटाने का फैसला कर लिया। साक्षी मलिक ने तो कुश्ती से भी संन्यास लेने का फैसला किया, उसकी घोषणा की और सभी को झटका दे दिया। साक्षी के इस फैसले से पूरा देश रो पड़ा, शर्मिंदा हुआ। उसके बाद बजरंग पुनिया ने भी अपना पद्मश्री लौटा दिया। जब उन्हें पीएम से मिलने का समय नहीं मिला तो उन्होंने अपना अवार्ड पीएमओ के बाहर रख दिया। इसके साथ एक चिट्ठी भी लिखी
जिसमें उन्होंने खुद को असम्मानित पहलवान कहा। इससे ज्यादा दुखी बात इस देश के लिए और क्या हो सकती है। वहीं सबके बाद जब दुनिया भर में देश की किरकिरी हुई, बेइज्जती हुई, फजीहत हुई, तब जाकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया और पूरी फेडरेशन को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। WFI अध्यक्ष संजय सिंह समेत सभी सदस्यों को भी निलंबित कर दिया गया। इस आदेश में संजय सिंह की तरफ से जारी किए गए उन सभी आदेशों पर रोक लगा दी जो उन्होंने अध्यक्ष बनने के बाद दिए थे। आप जानते ही हैं कि WFI के चुनाव के बाद से ही संजय सिंह विवादों में थे। पहले वालों ने यहाँ तक कह दिया कि अब महिलाएं फिर शिकार होंगी, क्योंकि संजय सिंह ब्रजभूषण का ही आदमी है, सिर्फ कुर्सियों से मिली है, दबदबा अभी भी ब्रजभूषण का ही रहेगा। चुनाव के नतीजों के बाद पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां साक्षी मलिक ने अपने संन्यास लेने का ऐलान किया, फिर सिंबल के तौर पर अपने जूते वहां छोड़कर रोती हुई चली गई थी। प्रेसिडेंट ब्रजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका जो उसका बिल्कुल सही होगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है वो, अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। इस वीडियो ने देश की हर एक व्यक्ति को झकझोर दिया। इसके बाद देश ही नहीं दुनिया में चर्चा शुरू हो गई। जिस देश में सम्मानित पहलवानों की सुरक्षा नहीं है, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा, महिला पहलवान तक सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की क्या ये जिंदगी होगी, उनकी क्या ही सुनवाई होगी, उन्हें क्या ही न्याय मिलेगा। इससे सरकार पर दबाव बना, तब जाकर सरकार ने आदेश जारी किया। अब सवाल ये है कि उस आदेश में लिखा क्या है जिसे ब्रजभूषण के लिए झटका माना जा रहा है और पहलवानों के लिए राहत। तो खेल मंत्रालय ने अपने आदेश में कई मुख्य बिंदुओं का जिक्र किया है। खेल मंत्रालय ने अपने आदेश में WFI को रद्द करने की वजह बताते हुए कहा कि नए अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद संजय सिंह गोंडा में अंडर 15 और अंडर 20 वर्ग की साल खत्म होने से पहले नेशनल प्रतियोगिता की घोषणा कर दी। ये घोषणा जल्दबाजी में की गई है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले पहलवानों को इसकी ना जरूरी सूचना दी गई और ना ही WFI के संविधान के प्रावधानों का पालन किया। मंत्रालय ने अपने नोटिस में ब्रजभूषण का भी जिक्र किया। नोटिस में लिखा है कि ऐसा लगता है कि नव निर्वाचित फेडरेशन खेल एथिक्स की अवहेलना करते हुए पुराने पदाधिकारियों के कंट्रोल में नोटिस में आगे कहा गया कि फेडरेशन पुराने पदाधिकारियों के नियंत्रण वाले उसी परिसर से चलाया जा रहा है जहां खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था और ये मामला अदालत में चल रहा है। नोटिस में आगे कहा गया कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है, नए फेडरेशन के इन कामों से मनमानी की बू आती है, निष्पक्ष खेल, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियमों का पालन जरूरी है, एथलीटों, हितधारकों और जनता के बीच विश्वास बनाना जरूरी है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी खेल मंत्रालय ने कई अहम मुद्दों का जिक्र किया। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पिछले एक साल से भी पहलवान भी तो यही बोल रहे थे, बल्कि उन्होंने तो एक और गंभीर खुलासा किया था कि महिला पहलवानों के साथ गलत हो रहा है। ब्रजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। जनवरी 2023 यानी इस साल की शुरुआत में ही पहलवानों ने अपनी आवाज बुलंद की और जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। इसके बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर मिलने पहुंचे और जांच कमेटी बनाने का आश्वासन देकर धरना खत्म करवा दिया। कमेटी बनी तो, लेकिन पहलवानों को न्याय नहीं मिला, क्योंकि कमेटी की रिपोर्टों में पहलवानों को संतुष्ट नहीं किया गया। मजबूरन पहलवानों को दोबारा जंतर मंतर आना पड़ा और इस बार पहलवानों पर बल प्रयोग भी हुआ। बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की। इसी बीच ब्रजभूषण ने अपने पद से इस्तीफा दिया, कहीं की दबाव में देना पड़ा। इसके बाद चुनाव का भी ऐलान हुआ, लेकिन चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर पहलवानों को झटका दे दिया और उनकी सारी उम्मीदों को तोड़ दिया। इसके बाद साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया की एक्शन ने तहलका मचा दिया। अब जानकारों का कहना है कि खेल मंत्रालय का फैसला इसी तहलके के और फजीहत का नतीजा है। जानकारों का दावा है कि सरकार पर दबाव इसलिए बना है क्योंकि 2024 भी सर पर है। वहीं कुछ लोग तंज कस रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, यानी सरकार ने फैसला लेकर तारीफें बटोरने की कोशिश की थी, अपनी छवि सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन इस फैसले को करने में सरकार ने जितना समय लगा लिया उससे सरकार को अभी भी सिर्फ आलोचना ही मिल रही है। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।